जाए, खासकर जो 55,000 एसएससी जीटी का मामला है, कितनी देर से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेडिकली फिट बच्चे घूम रहे हैं और आज तक उनको भी नहीं पूछा जा रहा है। ये जो एससीसी जीडी का मामला है, पिछले 3-4 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेडिकली फिट बच्चे जो है वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और इसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं की जा रही है। सरकार से यह हमारी गुहार है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, उन बच्चों को उनकी ज्वाइनिंग की जाए। इसके अलावा जो हमारे पेंशन के मामला थे, मैं आज पिछली बार जब एडीजी साहब हमारे वहां गए थे तो मैंने एक मामला वहां पे इनको बताया था। आज एक और बच्चा वाजिद अली शाह हमारे साथ यहां पे आया हुआ है। पिछले पांच साल हो गए उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन नहीं लगाई है डिपार्टमेंट ने। सर, ऐसे मामले जो है हमारे डीजी से भी आप डिस्कस करें कि ये जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिनका गुजारा उसी पेंशन पे हो रहा है, अच्छी खासी ये एजुकेशन में होते हैं और वहां से फिर गिर के ये नीचे आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये मामला जो भी है, अगली जो भी मीटिंग हो डीजी सीआरपीएफ साहब से या डीजी बीएसएफ से, तो उनके सामने ये मामले भी रखे जाएं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहते हुए फिर 2-4 नारे लगाऊंगा और ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारी ये जो यहाँ की कमेटी है, हमने शाना बशाना इनके साथ चलना है, कदम ब कदम इनके साथ चलना है और जो भी इनका हुक्म होगा अगला वो हमारी सर आंखों पे होगा। तो अगली ये जो भी तारीख मुकर्रर करेंगे, जो भी तारीख ये मुकर्रर करेंगे, उसके लिए हमने आज से ही तैयारी शुरू करनी है और हर आदमी ने ये वादा करके जाना है, हमने 15 नहीं तो 10 आदमी साथ में लाने हैं। तो अब मैं 2-4 नारे लगाऊंगा और आपने बेदारी का जागने का सबूत देना है कि आज हम सरहद पे खड़े हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।